हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप आसानी से एक इमेज को एडिट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ AI। और इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हम जैसे एक इमेज लेते हैं, जैसे हमारा ही फोटो हो, उसमें हमें उनका कपड़े चेंज करने हैं, ड्रेस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, तो आप कैसे आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। पहले इसी काम को करने के लिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब आज की तारीख में AI की मदद से आप इसको बिल्कुल आसानी से और एकदम स्मूथली, एकदम रिच क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले खोल लेना है गूगल क्रोम, और वहां जाकर टाइप कर देना है Adobe Firefly और प्रेस कर देना एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद इस प्रकार का आपको सर्च में दिखा देगा। अब आपको क्लिक करना है Adobe Firefly पे। क्लिक करते के साथ ही आप Adobe की वेबसाइट पे आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है गेट Firefly फ्री, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आपको एक दिखाई देगा जनरेटिव फिल। इस पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज का, लेकिन देख लीजिए नीचे पहले सैंपल, और यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक इमेज चूज़ कर लेनी है। तो हमने एक इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि ये वाली इमेज हमारे को चेंज करनी है। तो इसमें जैसे पर्पल कलर की टी शर्ट आ रही है, इसको चेंज करना है हमें। तो देखिए लेफ्ट साइड में दे रखे हैं ऑप्शंस, इंसर्ट, रिमूव और पैन। तो अब हमने फिलहाल चूज़ कर रखा है इसमें इंसर्ट। इंसर्ट में करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए कि जिस जिस चीज़ को आपको रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट करके हम हटाएंगे। पैन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे जैसे मूव करना है, तो हम पहले पैन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे मूव करेंगे। वापस से इंसर्ट में जाते हैं, और हमने इस बार सेलेक्ट कर लेना है अपने जैसे टी शर्ट वगैरह, या फिर अपनी जो लोअर है इसको चेंज कर लेना है। इसका कलर हमें अच्छा लग रहा है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले। तो इसको मतलब एक बार सिलेक्शन कर लेना आराम से आपको, उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे कि हमें इसको किससे रिप्लेस करना है। तो ब्रश का साइज़ हमने पहले इसको चेंज कर लिया, थोड़ा छोटा कर लिया क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्रश था। तो अब इसको यहाँ सिलेक्शन शुरू करते हैं हम लोग। देखो हाथ के पास से एकदम आराम से इसको सेलेक्ट कर लेना है, और जहाँ जहाँ भी हमारा येलो कलर का लोअर आ रहा है उसको हम आराम से सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन कर लीजिए एकदम, ताकि जितना अच्छा परफेक्ट सिलेक्शन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करने के लिए आपको माउस का जो बीच का स्क्रॉलर है उसको घुमाते रहिए, और देखिए कंट्रोल पकड़ के, और इसको देखिए हमने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करके देखो माइन्यूट वाला काम खत्म हो गया। जब माइन्यूट वाला काम खत्म हो जाए तो उसके बाद ब्रश का साइज आप वापस से बड़ा करके फटाफट सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे हमें हाथ के पास सिलेक्शन करना है, ये टी शर्ट के पास थोड़ा सिलेक्शन करना है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रश का साइज़ छोटा रखना चाहिए, ताकि एकदम परफेक्शन के साथ में आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखिए इधर से हमने कैसे एकदम जूम कर करके सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि अगर जूम नहीं करा तो माइन्यूटली सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा कुछ पार्ट छूट सकता है। तो देखिए पैन करते हैं, थोड़ा सा पैन करके नीचे ले आते हैं। अब माइन्यूट सिलेक्शन हो चुका, वापस हम जाएंगे इसमें सेटिंग्स में, और जाके ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी हम जो सेंसिटिव पार्ट था वो हमने सेलेक्ट कर लिया आराम से। और अब देखिए जल्दी जल्दी सिलेक्शन करने के लिए हमने ब्रश का साइज़ बड़ा कर दिया, और देखिए फटाफट इसका सिलेक्शन करते हैं कि देखो यहाँ से हमें इसका नीचे लोअर का ड्रेस चेंज करना है। तो हम देखो सिलेक्शन कर लेना आराम से, बिल्कुल नीट एंड टैडी तरीके से, क्योंकि जितना बढ़िया आप सिलेक्शन करेंगे उतना बढ़िया इसमें रिजल्ट आएगा। ये देखिए अब हम इसको फटाफट नीचे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सिलेक्शन शुरू हो गया है, जो जो हमारा येलो कलर का लोअर का पोर्शन था वो हमने इसमें से देखिए सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हमने ऊपर का टी शर्ट का पोर्शन भी ले लिया, ताकि थोड़ा ऊपर से हमारी जो भी हम चूज़ करते हैं, चाहे जीन्स चूज़ करें या ट्राउज़र चूज़ करें, तो वो अच्छे से दिखाई दे। तो थोड़ा पैन करके ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि नीचे जैसे दिख नहीं रहा था, तो पैन बीच में यूज़ करके आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं इसको इमेज को। ये देखिए कितनी जल्दी सिलेक्शन हो गया, और थोड़ा बहुत अगर 19-20 रह जाता है आपका जैसे हाथ के पास से, तो आप उसको ब्रश का साइज़ छोटा करके सिलेक्शन कर सकते हैं। वापस से इसको जूम इन करके थोड़ा छोटा करके नीचे लेकर आएंगे बाद में। तो देखिए अभी फिलहाल और कहीं से रह गया पोर्शन, तो देख लेते हैं। सेटिंग में जाते हैं, थोड़ा सा छोटा साइज़ करते हैं, और ये देखिए थोड़ा टी शर्ट के पास का रह गया, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि दिखाई दे कि हाँ यहाँ से हमने कोई ट्राउज़र या जीन्स पहन रखी हो, सीधी दिखाई दे आपको यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से हमने सिलेक्शन पूरा कर लिया है, और अब वापस से पैन में जाके इसको मूव करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही सिलेक्शन हो रखा है, एकदम स्ट्रेट है, क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसमें डिस्क्राइब करना है कि हम क्या इसको पहनाना चाहते हैं नीचे में। तो हमने लिख दिया इसमें डेनिम, और इसमें लिख देते हैं डेनिम ब्लू जीन्स लिख देते हैं।
देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। डेनिम ब्लू जीन्स विद ब्रांडेड, और ब्रांडेड के साथ क्या लिख दें इसमें, ब्रांडेड लेदर बेल्ट लगा देते हैं इसमें, ब्रांडेड लेदर बेल्ट। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आउटपुट आता है, करते हैं जनरेट इसको, जनरेट पे क्लिक करेंगे इसके बाद। विद कीज सोच रहे थे लेकिन नहीं, हटा देते कीज, हटा दिया इसको, कीज को सिर्फ इतने बेल्ट तक रखते हैं क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा ये। तो डेनिम ब्लू जीन्स विद ब्रांडेड बेल्ट, तो देखिए वाओ एकदम चेंज, लोअर था येलो और हो गया ब्लू जीन्स विद देखिए बेल्ट, वाओ कितनी खूबसूरत बेल्ट हुआ है सब, गजब। तो देखिए थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं आपको, पूरा ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो गया भाई साहब, नीचे लोअर था अब जीन्स आ गई है विद बेल्ट। तो इसमें कोई झिझक नहीं है, अगर आप अपने घर के लोअर में भी अगर फोटो खिंचवाते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करके एकदम जीन्स में टिप टॉप आपका फोटो बना सकते हैं। तो ये हो गया है, अब तो जीन्स का काम तो हो गया। देखिए देखिए और भी ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, नीचे क्लिक कर करके आप देख सकते हैं कि जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसमें से चूज़ कर लीजिएगा। देखिए अलग अलग आ रहे हैं, मोर में जाइए, मोर में और दिखाएगा आपको कि कई सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन सी जीन्स अच्छी लगे, जो पैटर्न आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको एकदम परफेक्ट लगे तो उसको स्टॉप करके आप कीप पे क्लिक कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं और कितने इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। ये भी जीन्स अच्छी लग रही है वैसे देखने में, वाओ ये तो अच्छी लग रही है, ग्रेट। और बेल्ट देखिए एकदम, देखिए पास से क्वालिटी दिखा रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता है कि ये मतलब ये एडिटेड इमेज है। ये देखिए देख के ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल ही है, कहीं से कहीं पता नहीं चल रहा। देखिए जीन्स गजब, एक से बढ़कर एक, कितने सारे ऑप्शन है। देखिए आप चूज़ कर लीजिए इसमें से कौन सा भी, तो देखते हैं इनमें से एक आधा कोई चूज़ करते हैं और उसको फाइनल करेंगे अब जल्दी से। तो ये जीन्स भी अच्छी लग रही है, ये जीन्स अच्छी लग रही है ना, तो इस जीन्स को कर दें क्या। ओके देखते हैं पहले थोड़ा पैन करके देखते हैं कि हाँ ये जीन्स तो अच्छी लग रही है वैसे, देखते हैं और ऑप्शन क्या करना है इसमें। तो फाइनली इसको करते हैं कीप, ये अच्छी लगी हमें जीन्स, हमने इसको फाइनल कर दिया भाई साहब, ये हमें जीन्स अच्छी लगी। अब आती है बारी टी शर्ट की, अब हम टी शर्ट भी चेंज करनी है, तो वही सेम आपको यूज़ करना है, सिलेक्शन कर लेना है टी शर्ट का। ये देखिए हमने टी शर्ट को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया ऐड पर क्लिक करके, और एकदम बारीकी से आप टी शर्ट को सेलेक्ट करिएगा, ज़्यादा 19-20 नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी बेल्ट नहीं कटनी चाहिए यहाँ से, इनकेस कट भी जाए तो आप उसको बाद में जाके रिमूव से हटा सकते हैं। तो देखिए हमें सिलेक्शन परफेक्टली करना है बिल्कुल यहाँ से, देखिए बिल्कुल बचा के एकदम से किनारे से, और जहाँ जहाँ भी हमारी पर्पल कलर की टी शर्ट है इसको सेलेक्ट कर लेना है आपने, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब हो जाएगा कवर अप बाद में। तो देखिए इसमें हमने सिलेक्शन कर लिया पूरा एकदम टी शर्ट का बॉर्डर लाइन कर लिया, ब्रश साइज को बड़ा करो और फटाफट फटाफट पूरा सिलेक्शन एक झटके में ख़त्म। तो देखिए सिलेक्शन हो गया पूरा, नीचे कर लिया, खींचा इसको सिलेक्शन को फास्ट, गजब ये हो गया इसका सिलेक्शन। बेल्ट थोड़ी बहुत कट गई तो आप रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको माइन्यूटली फिनिशिंग दे सकते हैं इसको बाद में। तो ये देखिए सिलेक्शन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा का पोर्शन सेलेक्ट हो गया था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, देखिए जो एक्स्ट्रा कवर हो गया था। नेक्स्ट आता है पैन, पैन करके देखिए पूरा एकदम एक्यूरेट हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लीजिए। वैसे तो टी शर्ट पूरी सेलेक्ट हो चुकी है जितनी पोर्शन में टी शर्ट थी, अब डेनिम ब्लू जैकेट, डेनिम ब्लू जैकेट लिखते हैं, ये डेनिम जैकेट ब्लू नहीं लिखते हैं, डेनिम जैकेट विद रेड कलर ये लिखते हैं। अब की बार पहले लिखा था हमने ब्लू जैकेट, अब की बार लिखते हैं डेनिम जैकेट विद रेड कलर कॉलर, तो अब की बार रेड कॉलर लिखा है। तो देखिए वाह ये अच्छी आई है, ये देखिए जूम करके भी देखिए कितनी बेस्ट क्वालिटी आई है, कहीं से कहीं लग नहीं रहा कि मतलब आर्टिफिशियल है। तो देखिए कितनी गजब, वाओ ये भी अच्छी लग रही है, इसमें अच्छा है ये, इसका मतलब ये जो हमने जनरेटिव फील लिखा ये काफ़ी अच्छा कोड लिखा जिसके कारण एकदम परफेक्ट आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी लग रही है, ये गुड, दिस इज़ गुड। और देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है, मोर में जा के देखते हैं कि और कितने अच्छा हो सकता है, और इससे बेस्ट आ जाए, ये नहीं अच्छी, ये भी ठीक ठाक है, ये भी इट्स नॉट गुड देन, और देखते हैं जितने से ज़्यादा ऑप्शन देख सकेंगे उतना आप देख सकते हैं इसमें। ये भी अच्छी लग रही है, एकदम मुंबई या लुक आ गया, ये अच्छी लग रही टी शर्ट, गजब दिस इज़ गुड। तो इस प्रकार से आप मोर पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस इसमें देख सकते हैं,
और जो आपको लास्ट में पसंद आ जाए उसको आप कीप पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो आप बताना दोस्तों आपको कौन सी अच्छी लग रही है, इसमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से इसमें से मतलब जैकेट अच्छी लग रही है। इसको फ़िलहाल हमें इसको चूज़ करते हैं और कीप पे क्लिक कर दिया हमने, तो इसको सेलेक्ट कर लिया अब हमने। ये हमारा हो गया ड्रेस कोड पूरा तैयार। तो देखिए कैसे हमने आसानी से एक येलो लोअर को चेंज करके जीन्स में कन्वर्ट कर दिया और जो पर्पल कलर की टी शर्ट थी उसको चेंज करके हमने एकदम हाई फाई लुक में कर दिया इसको जैकेट में। अब बैकग्राउंड हमने कर दिया इसका रिमूव, अब हमें इसे बैकग्राउंड चेंज करना है। ब्लू सी बीच, ब्लू सी बीच लिख के हमने जनरेट पे क्लिक करा, तो देखिए ये अच्छा आ रहा है रिजल्ट, ये अच्छा लग रहा है। और देख लेते हैं दो तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने दो तीन R&D कर लेना है, जो सा अच्छा लगे आपको उस पर आपको क्लिक करके कीप पे क्लिक कर देना। ये भी अच्छा लग रहा है कि रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ सी बीच के सामने खड़े हैं, तो ये नहीं अच्छा लग रहा है, इतना आर्टिफिशियल लग रहा है बिल्कुल, ये भी सही नहीं लग रहा। और देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है सही, इसको रख लेते हैं। इसमें देखिए बॉर्डर चेक कर लेते हैं कहीं से कहीं आर्टिफिशियल लग तो नहीं रहा, नहीं। इसको कीप पे हमने क्लिक करा और इस प्रकार से हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमने लोअर भी चेंज कर दिया, टी शर्ट भी चेंज कर दी, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। देखिए हमने फिलहाल मोटो ये था कि आपको दिखाना कि कैसे आप इसमें ड्रेस चेंज कर सकते हैं, एक घर में खींची फ़ोटो को आप कैसे एकदम हाईफाई फ़ोटो बना सकते हैं, ऑफिशियल लुक बना सकते हैं, फॉर्मल कैजुअल लुक किसी प्रकार का भी आप लुक कर सकते हैं इसमें। तो लास्ट में हम लोग क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, अपनी इमेज को सेव कर लेने का है। हमने अपनी इमेज को सेव कर लिया, तो हमारी यहाँ देखिए इसमें इमेज सेव हो गई, दिखाते हैं अभी हम कहाँ पर। ये देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और ये हमारी फाइनल इमेज है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कैसे हमने आसानी से एक इमेज को एनहेंस कर दिया, उसके अंदर जो भी हम मॉडिफिकेशन करना चाहते थे हमने सारे मॉडिफिकेशन उसके अंदर में कर दिए। जैसे हमें ड्रेस चेंज करनी थी ड्रेस चेंज करा, और जो भी हमें चेंज करना था हमने इसमें चेंज करा, वो भी बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में।